तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा माइक यूज करते हैं, आपका कौन सा ट्राईपॉड है और आपका कौन सा फ़ोन या कैमरा है। तो गाइस, मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उन्हें देख के परचेज कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते, राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मौसम अपडेट। तो अभी टेम्परेचर है 18 डिग्री और आज जो मौसम विभाग मैंने वेदर चेक किया उसमें हिसाब से पूरे दिन भर धूप रहने वाली है। गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और आज सुबह सुबह ड्यूटी लग गई है। देखिए, मैगी बनाने वाले हैं तो उसके लिए प्याज टमाटर काटने वाला हूँ मैं। तो गाइस, ये है घर का प्याज। घर का मीन्स पहाड़ी प्याज। और इसमें और जो नॉर्मली दुकानों में मिलता है प्याज, उसमें डिफरेंस क्या होता है ये देखिए। एक तो एक कलर में वाइट होता है, वो थोड़ा सा रेडिश होता है और इससे खाने में मिर्च नहीं लगती, उसे खाने में आपको थोड़ी सी मिर्च लगती है। तो ये सलाद के लिए बेस्ट होता है। ये देखिए, ये है पहाड़ी प्याज वाइट कलर का। तो चलिए इसे काटते हैं। ये सुबह सुबह काटना पड़ा आज प्याज टमाटर मैगी के लिए। तो चलिए बनाते हैं मैगी। इसे बैर बना ना, मैंने बनाना। अभी टाइम हुआ है 7:46 और जैसे मैंने आज आपको बताया कि आज काफ़ी ठंडा है, अभी टेम्परेचर 18 डिग्री है, तो थोड़े से सिर पे हवा भी लग रही है, तो इसलिए टोपी डाल दी है। और फिलहाल मेरे हाथ में देखिए आप कुदाल। तो मैं जा रहा हूँ अभी खेत में, वहाँ हमने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं तो उन पर पानी रुक जाए, क्योंकि बरसात शुरू हो गया तो उनके चारों तरफ में थाल बना देते हैं, गड्ढा सा कर देते हैं, जिसके कारण उसमें पानी रुक जाता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको। और आगे खेत देखिए आप, बिल्कुल गीले हो रखे हैं और मम्मी पापा इतने गीले खेतों में गुड़ाई करने के लिए आ रखे हैं ऊपर, जहाँ वो 3 मंजिला मकान है, गोपालबाड़ी बोलते हैं उस जगह को। तो आजकल जो कोदा लगाया गया है उसकी बहुत बढ़िया तरीके से गुड़ाई हो रही है, क्योंकि बारिश के कारण उनकी ग्रोथ बढ़िया होती है, अगर उन्हें साफ़ सफाई बढ़िया से मिल जाए। बारिश का पानी मतलब सबसे बढ़िया होता है पेड़ पौधों या फसल की ग्रोथ के लिए। तो इसी कारण मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर खेत में और वहाँ जितने भी पेड़ लगाए गए हैं उनके साइड में मतलब एक गड्ढा सा कर देते हैं, जिसके कारण उसमें पानी रुक जाता है और ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती है जिसके कारण। ये देखिए आप, पानी देखिए तो बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है आज, तो तगड़ी वाली बारिश हुई थी कल। ये देखिए, इसी खेत में है कुछ पेड़। ये देखिए, अखरोट का पेड़ है। तो देखिए, इसमें पानी रोकने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके चारों तरफ एक गड्ढा सा बनाने वाला हूँ जिसके कारण इसमें पानी रुक जाएगा। तो हैं यहाँ 4-6 पौधे। अगर आपको पता होगा तो सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो बरसात के टाइम पे लगाए जाते हैं, और उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि बरसात के टाइम पे उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ता, जिसके कारण उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं भी इसी कारण खेत में आया हूँ, और ताकि इन्हें बढ़िया से पानी मिल जाए और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाए। वैसे ग्रोथ तो इनकी बढ़िया है, लेकिन अगर इनमें पानी रुक जाएगा तो इनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं इनके चारों तरफ थाला। ये देखिए, मेरे हाथ में है कुदाल, तो इसका प्रयोग करके मैं इसमें थाला बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टैंड पे फ़ोन। ये देखिए, ये बना दिया है मैंने इसमें पानी स्टोर करने के लिए, और इसे हम बोलते हैं थाला। ये देखिए, उसके चारों तरफ एक गड्ढा सा बना दिया है और पौधा बिल्कुल बीच में है। बरसात में पेड़ पौधे लगाने के पीछे एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि मिट्टी आजकल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जा रही है, खुदाई करने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो इस कारणवश भी पेड़ पौधे बरसात के टाइम पर लगाए जाते होंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है वो। और एक और फ़ायदा, इसकी गुड़ाई निराई भी हो जाती है ऐसे करके, जो पत्थर वगैरह लगे थे घास वास वो सारी हट गई हैं। ये देखिए, अब इस खेत में जितने भी पेड़ थे सब पे थाल मैंने बना दी है पानी स्टोर करने के लिए, और काफ़ी थकान लग गई है क्योंकि थोड़ी सी खोदने में दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि घास वास जम गया है जिसके कारण उनकी जड़ें मजबूत हो गई थी, तो थोड़ी सी थकान भी लग गई है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कितने पेड़ों पर मैंने आज थाल बना लिए हैं। एक पेड़ ये है, ये भी अखरोट का है। एक देखिए ये है, तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो अब क्या पता इस पे ग्रोथ आ जाए। ये सेब का है शायद से, और जिनकी ग्रोथ सबसे बढ़िया हुई है ये तीनों पेड़ हैं। वो देखिए आगे, तो इन पे बड़े बड़े थाल बनाए हैं मैंने। ये देखिए, एक ये है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। फिर दूसरा ये है, ये भी अखरोट का है। बस इन दोनों को जब ये बड़े हो जाएंगे दिक्कतें क्या आएंगी, ये थोड़ा सा ना
इनकी मतलब दूरी कम हो गई है, पास पास हो गए हैं, तो जब ये बड़े होंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। और एक ये है कि देखिए, लगभग इस खेत में 5 पेड़ थे जिसमें से 4 अखरोट के और एक सेब का है, तो सब पे थाल बन गए हैं। और अब इन्हें थोड़े दिन सूखने देता हूँ, एक आध दिन, उसके बाद इनमें गोबर डाल दूँगा जिससे इनकी इनको खाद भी मिल जाएगी, तो ये बढ़िया से इनकी ग्रोथ होगी। नीचे वाले खेतों में तो सब पे बन गए हैं थाल, अब देखते हैं ऊपर वाले खेत में, उसमें कुछ सेब के पौधे थे तो उनमें भी बना देते हैं। थकान तो खैर लग रही है पर बना देते हैं, अब आए हैं तो। ये देखिए गाइस, सामने ये सेब के पौधे हैं, तो ये टीटू चाचा लोगों के हैं, तो उन्होंने तो बढ़िया से इन पे जो चारों तरफ से लकड़ी की बाड़ कर रखी है, ये देखिए। तो काफ़ी पेड़ पौधे हैं इस खेत में। तो हमारा ये वाला खेत है तो इसमें भी पौधे हैं, लेकिन ये देखिए इनकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। ये देखिए, ये सेब का पौधा है तो इसकी जड़ें तो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी क्योंकि घास हो गया पूरे खेत में, तो इनकी निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है, उन पर थाल बनाना ताकि इनमें पानी स्टोर हो और इनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो काफ़ी पौधे हैं इसमें, लेकिन गाइस इन वाले जो ये वाले पेड़ हैं इनके साइड में ये देखिए घास है, तो इनमें थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि घास की जड़ें काफ़ी मज़बूत होते हैं, तो खुदाई करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं इनमें। यह है सेब का पेड़, इस पर भी बन गया थाल, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा थकान लग रही है क्योंकि यहाँ घास की जड़ें हैं पूरे खेत में, देखिए तो ये काफ़ी मज़बूत जड़ें होती हैं, तो थोड़ी सी थकान लगने लगी है। तो यहाँ पे खाली मैंने जो 3 पौधे हैं उन पे बनाए हैं अभी थाल दिए, देखिए। तो यहाँ पे सारे सेब के पौधे हैं और हैं आगे भी पेड़ पौधे, लेकिन यहाँ मेरे पास आज कुदाल छोटा है जिसके कारण यहाँ हाथों में दर्द जल्दी से हो जा रहा क्योंकि घास ही घास हो रखी है। तो अभी क्या करता हूँ, अभी आज के लिए बहुत है इतना, तो कल मैं अपने साथ बड़ी वाली कुदाल लाता हूँ या गैंती लाऊँगा जिससे मुझे खोदने में आसानी हो, और इन पेड़ पौधों पर बनाता हूँ थाल। तो आज पसीना भी काफ़ी आ गया, आज थकान भी काफ़ी लगी है, देखिए छोटी सी कुदाल है तो इससे घास की जड़ें नहीं निकल पा रही, तो कल बड़ी वाली गैंती से करते हैं इस पे काम। तो तगड़ी वाली धूप लग गई है और अभी लगभग टाइम 8:30 हुआ होगा, तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। कल तक बिल्कुल भयंकर वाली बारिश थी और ठंडा भी लगने लगा था, और मॉर्निंग में भी ठंडा था, लेकिन अभी एकदम से कड़ाके वाली धूप लग गई है और गर्मी होने लगी है। अगर मैं आपको सच में बताऊं तो बहुत टाइम के बाद शरीर मतलब इतना थका है और हाथों में इतना दर्द हुआ है, काफ़ी मेहनत वाला काम है, मतलब खेत खोदना, पता नहीं मम्मी लोग कैसे करते इतना काम, बहुत मतलब बहुत अजीब से हो रखे हैं खेत, जहाँ पर घास हो रखा है तो काफ़ी टाइट हो गए हैं। आज हम गए थे अपने खेत में, वहाँ हमने अपने जो भी पेड़ पौधे लगाए हैं उनकी मतलब थोड़ा सा उन पर थाल वाल बनाई जिसके कारण उन पे पानी रुक जाए और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधों से ही जीवन है आपके, मतलब पूरी लाइफ इन पे डिपेंड करती है, आप चाहे ऑक्सीजन के हिसाब से कह लीजिए, पानी के हिसाब से, मतलब वो जल संरक्षण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे, अपनी मिट्टी के लिए, तो मतलब सब चीज़ के लिए पेड़ पौधे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अपने आस पास हरियाली बनाए रखें और कोशिश ज़रूर करें कि एक आध पौधा आप हमेशा ज़रूर लगाएँ, और ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ रहें और हम भी सुरक्षित रहें। डिग्गी से ही मुंह हाथ धो के ऊपर अपना औजार औजार साफ करके चलते हैं नीचे घर पे और करते हैं नाश्ता पानी। हल्क बस्टर उठता है 9 बजे और फिर बोलता है मैं हूँ स्पाइडरमैन, हल्क बस्टर, आयरन मैन। तो आयरन मैन 9 बजे उठता है क्या, तू ही बता। और नूडल्स खा रहा है, आयरन मैन तो नूडल्स नहीं खाता। खाता है वो। किसने कहा? स्पाइडरमैन ने। क्या बोला स्पाइडरमैन ने? तू हल्क बस्टर है? बा खाता रहता दिन भर हल्क बस्टर। आप भी तो खाते रहते दिन भर। हम नहीं खाते इतना जितना तू खाता है, हम काम भी करते हैं। आप क्या करते हो? हम देख नहीं रहा, अभी मैं गुड़ाई निराई करके आ गया। नहीं कर क्या है मुझे आज तो मैंने जो खेतों में लगाए हैं पेड़ उन पे थाल बनाए थे। अभी देखिए बहुत सारे पेड़ यहाँ भी हैं सेब के, ये देखिए एक ये है, ये नारंगी का है, और उस साइड सेब के बड़े बड़े हैं, और 3-4 पौधे ये देखिए नीचे हैं, तो कल इनमें बनाऊंगा और उसके बाद जो ऊपर खेत में छोड़े हैं उनमें भी बनाने वाला हूँ। तो काफ़ी काम है आजकल। सेब के पेड़ सभी ने लगाए हैं और
जो सेब के पेड़ बच गए हैं, जिनकी मतलब थोड़ी सी रेख देख हुई, उन पे सेब भी आए हैं। तो ये देखिए, इस पे भी सेब लगे हुए हैं। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस देखिए, ये है सेब इस पे। तो इस अभी छोटा सा इस पे टाइम लगने वाला है, और मैंने इसे टेस्ट करके देखा तो थोड़ा सा खट्टापन है इसमें। अभी फ़िलहाल मैं मनदीप लोगों के घर में आया हूँ, और यहाँ पर देखिए यह है गुदड़ी, तोरी की बेल, और देखिए इस पर गुदड़ी लग चुकी है। तो बरसात के दिनों में काफ़ी साग सब्जियां होती हैं पहाड़ों में, और जिनकी शुरुआत होने लगी है। अब एक आध दिन में जो हमारी दादी जी एक्सपायर हुई थी, उनका भोज भी है। मतलब हमारे यहाँ द्वादश होता है, 12वें दिन में भोजन वगैरह खिलाया जाता है पंडित लोगों को। तो उस कारणवश हमें मार्केट जाना पड़ता है और सामान लाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए, अभी हम बना रहे हैं छाछ लस्सी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आज कितनी गर्मी है बाहर। ये है घर की छाछ लस्सी। तो मॉर्निंग में जो टेम्परेचर 18 डिग्री था, अभी वो 24 डिग्री हो गया है, और धूप देखिए कड़ाके की लगी है। तो काफ़ी गर्मी हो गई है इस टाइम पे। तो गाइस आई होप आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।